favor, Farizaga. Abi oğlum kapat vade de yani. Ben buradan abi. माशाल्लाह ये धन्य मुन्नी तालिबात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में जुरत और हिम्मत के साथ जो पैगाम उनको दिया था उन्होंने हजरात की खिदमत में पेश किया। जालना शहर से आए हुए इफ्तिखार सर और हमारे अय्यूब खान साहब ने इन तालिबात को 100-100 रुपये का इनाम और हदिया दिया है। अल्लाह ताला देने वाले के जान माल इज्जत आबरू में, और आपने भी बड़ी संजीदगी और मतानत से सुना, आपके भी जान माल इज्जत आबरू में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बुजुर्गों और दोस्तों, अब आपके दानापुर के इस स्टेज पर अकोला से बहुत ही मुआक्कर करीम शख्सियत जलवागर है, रौनक इजलास व रौनक स्टेज है, जिसे मेरी मुराद इश्तियाक साहब हैं, उनसे गुजारिश और दरख्वास्त है कि वो 10 मिनट में अपने कीमती कलेमात से सामाईन को महदूद मुस्तफीज फरमाए। इश्तियाक साहब से गुजारिश है कि वो आए और 10 मिनट में अपना पैगाम उम्मत मुस्लिमा वो बिरादरान वतन के नाम पेश फरमाए। या ऐसा पकड़ो एक मिनट, पकड़ो एक मिनट, मैं कुर्सी वहाँ पे देता हूँ। स्टेज पे माइक राम, हमारे पी एम राम, वहाँ के सरपंच, मेरे भाई, और आज जो राष्ट्र की एकात्मा है जिस मुद्दे पे इस कार्यक्रम दिया गया है, बड़ी खुशी की बात है। ये हर गांव में होना चाहिए कि देश चीख चीख के कह रहा है कि मुझे अमन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, क्योंकि आपको 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से हिंदुस्तान की तरफ ऐसा इशारा किए थे और कहा कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से शांति और अमन की खुशबू आ रही है। ये मोहब्बत भरे लोगों का देश है और यहाँ मोहब्बत भरे लोग कहते हैं, नफरत की खेती नहीं कर सकते। शांति और अमन का देश है, ये संत महात्माओं का और अल्लाह वालों का देश है, ये मामूली देश नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरे देश में पैदा हुए, मुझे मेरी मिट्टी का हक अदा करना है। लेकिन जो गलत है मेरे धर्म के प्रति, वो निकाल के मुझे आपको बाहर निकलना है। हमारे पिछले बारी में अकोला में पानी आया था, मेरे बाजू एक महाराज खड़े थे, उनसे प्रश्न पूछा, बोला महाराज ये बारिश किसके भगवान की आ रही? महाराज को हंसी आ गई, बोले सर इसका जवाब नहीं देते। महाराज अगर ये आपके भगवान का पानी आ रहा तो फिर मैं क्यों ले रहा हूं? मैं तो मुसलमान हूं। अरे मेरे भगवान का पानी आ तो आप क्यों ले रहे हो? आप तो हिंदू हो। कि ये मुसलमान के भगवान का पानी है कि हिंदू के भगवान का पानी है? तो बोले सर इसका जवाब तो बोले महाराज सृष्टि चीज को पुकार के कहती है कि एक सृष्टि का चलाने वाला है, वही हिंदू का, वही मुसलमान का, वही क्रिश्चियन का, वही बौद्ध का। एक गांव के दो पुलिस पटेल नहीं हो सकते, एक गांव के दो सरपंच नहीं हो सकते, एक देश के दो पंच प्रधान नहीं हो सकते। किसी प्रकार किस प्रमाण को भी चलाने वाला एक से ज्यादा मालिक कोई तो एक है आपका मेरा सबका पैदा करने वाला। मतलब पीछे भगवान बोले छह हो जाएंगे, आपका मालिक बोलेगा छह महीने की रात और मेरा मालिक कहेगा छह महीने का दिन, एक का मालिक कहेगा सूरज निकालने का मेरा मूड ही नहीं, सिस्टम बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं। एक मेरी स्पीच थी नासिक के मंदिर में त्रिंबेश्वर के अंदर, तो मैं स्टेज के नीचे बात करके आया, एक आदमी मेरे पास आया दौड़ते हुए, उसकी आंखें में आंसू थे और अंधारो रोने लगा। बोले सर आप मुझे माफ कर दो। और सर क्या प्रॉब्लम है? अरे कल तक की मेरी ये पोजीशन थी कि मैं दाढ़ी और टोपी वाला देखता था, तो मैं मुसलमान के दुकान पर एंट्री नहीं करता था, लेकिन आपने बताया कि कुरान हमारा भी है, इस्लाम शांति और अमन का संदेश देता है, तो मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूं।
तो सर माफी तो मैं मांगता हूँ आपसे, हमने उस मालिक का संदेश आप लोगों से छुपा के रखा है। हम आपकी ओरिजिनल में डुप्ली के भाई है, हमने आपका बहुत बड़ा हक मारा है। अल्लाह कुरान में मनता कि संपूर्ण मानव जात एक माता पिता की संतान है। जब अल्लाह ने कहा कि संपूर्ण मानव जात एक माता पिता की संतान है, हम सब एक खूनी रिश्ते के भाई हो गए। उन्होंने कहा कि कुरान जो ग्रंथ है, क्या कुरान मरे 6666 श्लोक है, क्या मैं तुम तक 500 दिन पर मुसलमान लाटे देता, अभी 6113 श्लोक संपूर्ण मानव जात लाती है। अल्लाह बनता अरे मानो तुम सर्व एक माता पिता की देखुआ हो, अभी तुम छे माता पिता के नाम अरबी मजे आदम अली हवा बनता, त्यारे संस्कृत मध्ये आदम ला आदम बनता और मा हवा को हवे की बनता, ये धर्म का से आगा धर्म तो एक जीवन व्यवस्था है। उस मालिक ने मुझे आपको धरती पे भेजा है, वो इंसान बना के भेजा है। मेहमान वाले भाइयों को कहता हूं इन तक की दावत नहीं पहुंचेंगी तो अल्लाह के पास आपको मेरे पास गिरफ्तार पकड़ेंगे कि अल्लाह इन तक की तो दीन पहुंच गया था, इन्हें कभी हमको बताया नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह के पास आपको मेरे पे मुकदमा दायर करेंगे, क्या अल्लाह को जवाब देंगे आपको? आपका मेरा ईमान है अल्लाह अपने कर्म से एक दिन मुझे आपको जन्नत दे देगा, लेकिन यह मेरा मेरा जाने वतन इस हाल में दुनिया छोड़ के चलेगा तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ईंधन बनेगा। उसके पास आप मेरे फिर कौन जाएगा, मैं नहीं तो फिर कौन जाएगा, क्योंकि हम सब खूनी रिश्ते के भाई है। हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि मैं पूरी सृष्टि का पालने वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं आया। और जब जब भी इस दुनिया के अंदर अंधकार बढ़ा, उस अंधकार मिटाने के अल्लाह ने अपने संत महात्मा और ऋषियों को भेजे है, ऐसे आखिरी ऋषि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे आपके मेरे चार वेद है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये ऋग्वेद में लिखा है एक अंतिम ग्रंथ इस सृष्टि में देता है, क्या मैं तुम तो 31 बार मंत्र हुई वो सर्वांच आखिरी ग्रंथ हुई और वो 31 बार मंत्र सत्य कुरान मधे आलेला आहे। तो कुरान सारे इंसानों के लिए है, किसी मुसलमान के लिए नहीं, सारे धर्म के लिए। और अगर आप अंतिम संदेश का मोहम्मद पैगंबर रहमतुल आलमीन सारे दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, किसी मुसलमान के लिए नहीं। जैसे चार वेद आपको मैंने कहा है कि उसकी 18,000 व्याख्यान है, उसमें ग्रंथ है कल की अवतार, उसमें यह लिखा है कि विष्णु यश का एक बेटा पैदा होगा, उनका नाम कल की अवतार होगा। विष्णु यश का मीनिंग होता है मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला, हम उसी को उर्दू में अब्दुल्ला बोलते हैं और अब्दुल्ला का भी अर्थ वही होता है मालिक की आज्ञा का पालन करना। उनके माँ का नाम सुनती होगा जिसका मीनिंग शांतिपूर्वक या सुशीलता होता है, हम उसी को उर्दू में आमीना कहते हैं। ये अंतिम संदेश का मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माता क्या कि मेरे आखिरी ऋषि है, कि मैं मुझे एक ईश्वर होने का आदेश दिया है, एक है पूरे ब्रह्मांड को पूरी सृष्टि को चलाने वाला, वो हिंदू का, वही मुसलमान का, वही क्रिश्चियन का, वही बौद्ध का, वही जैन का। तो मैं यहाँ से 2 से 3 समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताओ आप और मैं जो ऑक्सीजन ले रहे जो मुसलमान के मालिक है तो आप क्यों ले रहे हो फिर ऐसा, और आपके मालिक के तो फिर मैं क्यों ले रहा हूँ। इस चीज को सृष्टि कहती है एक है प्रमाण का चलाने वाला, हम ना फिर भगवानों में वाद शुरू हो जाएंगे। आपका मालिक बोलेगा 6 महीने की रात और मेरा मालिक कहेगा 6 महीने का दिन, एक का मालिक कहेगा सूरज निकलने का, मेरा मूविंग सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए एक है और अल्लाह बार बार कुरान में कहता है इंसान, मुसलमान ने कहा अरे इंसान तुम सब एक माँ बाप की संतान हो, तो हम सब एक खूनी रिश्ते के भाई है। और आखिर 3 बात इस भाई की जरूर याद करना कि नंबर 1 मालिक ने मुझे इस धरती पे मुझे क्यों भेजा, थोड़ा क्लिक करना अपने आप को। सेकंड नंबर मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए जी रहा हूँ ये पूछना अपने आप को। और थर्ड नंबर मेरे मरने के बाद क्या होगा जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊंगा। एक एक सेकंड आप और मैं सब मौत के करीब जा रहे हैं, उस मालिक को मेरे को आपको ऑडिट देना पड़ेगा। वो मालिक जिसने दुनिया को बनाया है उससे आपसे सवाल करेगा कि तेरे दुनिया में आने से पहले
मैंने तेरे माँ की छाती में दूध की व्यवस्था किया। तो मालिक कहता तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने तेरे दो आंखों में 350,000 के अमेरिकी सैटेलाइट डाला। वो मालिक ने एक कान में एक नाक माइक डाला। अपन 24 घंटे में 23,000 सांसे लेते और 12 घंटे में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के लेते, 4 जमीन 16 आसमान। उस मालिक ने मेरे आपकी सेवा की जुटारा। तो वही मालिक मुझसे आपके सवाल करेगा तो मैं कुछ छोड़ के तो किस किस के सामने माता देखता है। अंतिम संदेश का मोहम्मद पैगम्बर सल्लम कहते हैं, अकलमंद इंसान वो है कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी करे। और आखिर में बात एन करते हो, अंतिम संदेश का मोहम्मद पैगम्बर सल्लम कहते हैं कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश से तुम प्रेम नहीं कर सकते तुम मुसलमान नहीं हो सकते। क्योंकि मुसलमान का मीनिंग है मालिक की आज्ञा का पालन करने वाला। मैं किसी को गाली पकड़ो, किसी पे अत्याचार करो, झूठ बोलो, फिर मुसलमान नहीं होता। मुसलमान होता है जो मालिक की आज्ञा का पालन करता है। तो आखिर दो वाला अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। ये थे इश्तियाक साहब जो हिंदी मराठी मिली जुली जुबान में एकता का संदेश दे रहे थे। जज़ाकल्लाहु खैरा। ऐसे ही बुजुर्गों और दोस्तों, आपने इश्तिहारात के जरिए, पॉम्पलेट के जरिए, ऐलानात के जरिए बहुत सारे प्रवक्ता और मुकर्ररीन का नाम आपके गोशे गुजार किया गया। लेकिन चंद हमारे बिरादरान वतन में महाराज में जैसे प्रदीप सोलंके साहब संभाजी ब्रिगेड के जो जिम्मेदार हैं, प्रवक्ता हैं, अध्यक्ष हैं, उनके घर में किसी का निधन हो गया, इंतकाल हो गया, इसलिए उन्होंने माजरत चाही और वो यहाँ पर नहीं आ सके। ऐसे ही एक दूसरे महाराज हैं जिनका पहले से कोई प्रोग्राम तय था, तरतीब शुदा प्रोग्राम था। महाराज ज्ञानेश्वर सेलोदकर ये प्रोग्राम के आगाज में यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज कराई, लेकिन उनका प्रोग्राम मुरव्वजा प्रोग्राम तय था, लिहाजा वो भी शिरकत से माजरत की। उन्होंने आपके सामने उन्हें भी कुछ पैगाम पेश करना था। अब मुख्तसर ये कि आज के इस इजलास के रूहे इजलास रूहे रवा हजरत मौलाना हफीज हलीमुल्ला साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया का वरूदे मसऊद हो चुका है और अन करीब आप उनके गिराकदर मलफूजात से महजूज और मुस्तफीज होंगे। लेकिन कबल इसके कि आपके सामने ओरिजिनल शख्सियत का इजहार हो, हम चाहते हैं कि उनकी कॉपी को आप हजरात के सामने पेश किया जाए। और जो बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, उन्हें वक्त वक्त का ध्यान नहीं रहता। ध्यान नहीं रहने से मुराद ये कि वक्त कब गुजरता और कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता, न सुनने वाले को पता चलता, न बोलने वाले को पता चलता। जिससे मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती हफीजुल्ला साहब कासमी दामद बरकातुहुमुल आलिया की जाते गिरामी से है, हजरत वाला से गुजारिश और दरखास्त है कि वो कीमती मलफूजात का गुलदस्ता हम तमाम के सामने पेश करना। बहुत खूब माशाल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، صدر محترم، معزز علماء كرام، خدام جميع علماء، नौजवान दोस्तों, बच्चों, आज का हमारा यह अज़ीम-ए-शान इजलास-ए-आम कौमी यकजहती और कौमी एकता के नाम पर मुनाकिद हुआ है, जिसके ताल्लुक से आप हजरात के सामने मोहतरम नाज़िम-ए-इजलास जनाब क़ारी अब्दुल रशीद साहब हमीदी ने भी अपनी भड़ास निकाली और दिल की बातें कही और हमारे सामने मुकर्ररीन आते रहे और उन्होंने अपना अपना पैगाम पेश किया। बिलखुसूस
जमीयत उलमा इलाका मराठवाड़ा के सदर मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग साहब रहमत बरकातहुम ने बड़े दर्द भरे लहजे में कौमी यकजहती के पैगाम को सुनाने की और समझाने की कोशिश की, और उसके बाद अभी हमारे सामने एक इंतहाई कीमती तकरीर 10-5 मिनट के अंदर मुकम्मल हुई। मौलाना ईसा काशिफी साहब दामत बरकातहुम जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इलाका मराठवाड़ा ने वक्त की तंगी के पेश नज़र शायद माजरत कर ली है, और हम सबको आज अपने मखदूम अपने मोहतरम हम सब के मुरब्बी हजरत मौलाना हबीबुल्ला साहब कासमी मद्दज़िल्लुहुल आली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के खिताब को समाप्त करना है। मैं सिर्फ मजमा का मूड बनाने के लिए, और जैसा कि समझाया आपको कारी साहब ने कि असल तकरीर तो हजरत की होगी, लेकिन मजमा को जोड़ने के लिए, और वो जोड़ा भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी और खुशबख्ती की बात है कि हजरत वाला के खिताब को हम समाअत करेंगे, और इस नीयत के साथ समाअत करेंगे कि इंशाअल्लाह जो पैगाम आज स्टेज से हमको दिया जाएगा हम अपनी अमली जिंदगी में उसे मुसलसल बरतने की कोशिश करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात कहने की नहीं है कि ये मुल्क हमारा है, हमने यकीनन इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, और मुल्क का हमारे ऊपर ये हक है कि हम उसको देते रहे। हमारे अकाबिर ने इस मुल्क के लिए अपनी जानी माली और इस्तेदाद और सलाहियत की तमाम तर कुर्बानियां पेश की हैं, और हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियों से इस मुल्क की तारीख हमेशा दरशिंदा और ताबिंदा रहे। आप करते रहिए, आप इतिहास उठा करके देखिए, आप तारीख उठा करके देखिए, यहां जात पात के नाम पर और ऊंच नीच के नाम पर कोई भेदभाव नहीं पाया जाता था। जब यहां मुगलों की हुकूमत थी, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम तारीख उठा करके देखते हैं, वहां जात पात के नाम पर हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं था। यही वजह है कि मुसलमान बादशाहों की फौजों में सिपह सालार की हैसियत से हम गैर मुस्लिमों के नाम को पाते हैं, और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन राजे और महाराजे इन लोगों के लाओ लश्कर के अंदर हम मुसलमान को अपना सिपह सालार देखते और पाते हैं। तारीख की किताब में ये बात मौजूद है। एक कसीर तादाद रहती थी मुसलमान बादशाहों के यहाँ गैर मुस्लिम लोगों की, और गैर मुस्लिम राजाओं के यहाँ मुसलमानों की। एक लंबी चौड़ी इसकी दास्तान और फेहरिस्त है, उसे इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। हम जीते थे, हम चैन सुकून का सांस लेते थे, मजहब के नाम पर हमारे दरमियान कोई नफरत नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन अंग्रेज ने, जो हमारी ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों गफलत का, हमारी सुस्ती का, हमारी खाना जंगी का फायदा उठा करके इस मुल्क के अंदर अपने नापाक कदमों को लेकर के दाखिल हुआ, और आया था वो ये बता करके कि हम यहाँ अपनी तजारत को फरोग देंगे, अपनी शराब को फरोग देंगे, लेकिन उसने इस मुल्क के ऊपर अपनी ललचाई हुई निगाह डाली और इस मुल्क के ऊपर अपना पंजा गाड़ करके मेरे दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि ये मुल्क हमारा है। और जब यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से अपने मुल्क को छुड़ाने के लिए कोशिशें शुरू की, और सबसे पहले मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ये कोशिश मुसलमानों ने, मुसलमानों के अकाबिरीन ने, उनके उलमा ने शुरू की थी। मुल्क हमारा था, हमसे छीना गया था, हमारे बुजुर्गों को सबसे पहले इस मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने की फिक्र लाहिक हुई, और वो इस फिक्र को लेकर के उठे और तकरीबन एक सदी तक इस मुल्क के अंदर
अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और फिर हमारे बुजुर्गों ही की बसीरत थी कि उन्होंने बिरादराने वतन को अपने साथ लिया और फिर मिलजुल करके सपने इस मुल्क को अपने खून पसीने से अपनी तमाम तर तवानाइयों से सींचने की कोशिश की और एक दिन वो आया कि ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन डिवाइड एंड रोल ये अंग्रेजों की एक चाल थी, लड़ाओ और हुकूमत करो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। उसने नफरत के बीज बोने शुरू किए और मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों उसकी ऐसी आबियारी की, ऐसी आपपाशी की कि अंग्रेज तो इस मुल्क से चला गया लेकिन उनके मंसूबे आज भी इस मुल्क के अंदर कार फरमा है और कुछ फिरका परस्त ताकतें उन्हीं उसूलों को अपना करके हमारे अंदर भेदभाव, हमारे अंदर नफरत पैदा करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। फिरका परस्ती का बीज बोया जा रहा है, फिरका परस्ती की दीवार उठाई जा रही है। हर जमाने में हमारे अकाबरीन ने, हमारे उलमा ने, मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों समाज के अंदर पनपने और बढ़ने वाली बुराइयों को महसूस भी किया है और उनके खिलाफ मैदान में कूदने का फैसला भी किया है। आज जिस प्लेटफार्म के तहत हम सबको यहाँ पर जमा किया गया है वो जमीयत उलमाए हिंद है। जमीयत उलमाए हिंद की आज एक कड़ी आपके दानापुर के अंदर भी कायम हो चुकी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मराठवाड़ा इलाके के सदर, जनरल सेक्रेटरी और तमाम खुद्दामे जमीयत को कि उन्होंने जमीयत उलमा के पैगाम को मुसलमानों के बीच में आम करने की कोशिश की और मुसलमान और गैर मुस्लिम बिरादराने वतन के दरमियान इस तंजीम के अगराज और मकासिद और इसकी मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों जो बातें उन्हें समझाने की कोशिश और मेहनत की। जमीयत उलमा के अकाबिर ने इस मुल्क के ऊपर अंग्रेजों के कब्जा करने के बाद अंग्रेजों से लोहा लेने का फैसला भी किया और मुल्क आजाद होने के बाद जब मिल्लत इस्लामिया के तशख्खुस को खतरा लाहिक हुआ तो उसके तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए इस मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म दस्तूर के ऊपर जमीयत उलमा के अकाबरीन ने ऐसी जद्दोजहद और ऐसी कुर्बानी पेश की कि आज इस मुल्क में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हर मजहब का मानने वाला अपने मजहब पर मुकम्मल आजादी के साथ अमल पैरा है और अपने अपने मजहब की नशर इजाद करने के लिए आजाद पाया जा रहा है। हमारे उलमा ने हर जमाने में मुआशरे के अंदर पनपने और बढ़ने वाली बुराइयों को भापा। हमारे काइदे महतरम, हम सब उनकी सेहत और आफियत के लिए दुआ करें। वो मर्द कलंदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दसिल्लुहुल आली, उन्होंने ये महसूस किया कि इस वक्त मुल्क के अंदर फिरका परस्ती बढ़ रही है और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और इन दोनों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। हम इस कोशिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे, इसलिए कि अगर ये नफरत की दीवार बढ़ती गई तो इससे मुल्क को बहुत बड़ा खतरा लाहिक होगा और मिल्लत इस्लामिया तो ऐसे खतरनाक हालात से दोचार होगी कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने हर जमाने में इस मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया और निभाया है। जब इसे आजाद कराने की बारी आई हमने कायदाना रोल अदा किया, अगली सब में खड़े होकर के हमने उनका मुकाबला किया, हम फांसी के फंदों के ऊपर झूल गए, हमने तोपों के दहानों का मुकाबला किया लेकिन अंग्रेजों को सात समंदर पार जाने के लिए मजबूर कर दिया था। आज अगर इस मुल्क को फिरका परस्ती से खतरा लाहिक है तो हमारा ये फैसला है। जमीयत उलमा हिंद के कायदे महतरम ने ये तहिया किया है और जमीयत उलमा के तमाम खुद्दाम को यह हुक्म सादिर किया है कि तुम जहां कहीं भी रहते हो नफरत की सियासत को तोड़ो और खत्म करो, फिरका परस्ती की दीवार को तोड़ो, फिरका परस्ती की आग को बुझाने की कोशिश करो। तुम बताओ कि हम गंगा जमुनी तहजीब लेकर के सदियों से चल रहे हैं,
हमें वही तहजीब प्यारी है और हम मिलजुल करके एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक रह करके एक दूसरे के शाना बशाना चल करके इस मुल्क को तरक्की देंगे, परवान चढ़ाएंगे और इस पूरे आलम के अंदर इस मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। हम आपस में नफरत की सियासत करने वालों का मुख्तार मिल करके जवाब देंगे कि हम तुम्हारी नफरत की सियासत के कायल नहीं है, हम एकता का पैगाम सुनते और जानते हैं और मुल्क के अंदर एकता ही हमारी ताकत है। अगर एकता कायम है ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर एकता और कौमी यकजहती में दरार पैदा होगी इस मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जमीयत उलमा के कायदे मोहतरम बनफ्से नफीस मुल्क के कोने कोने में जाकर के बिरादराने वतन के धर्म गुरुओं को अपने स्टेज पर बुला बुला करके उनकी जुबानों से ये नारा लगवाते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो भी हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला है वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, अगर वो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, हिंदी है, तो वो हिंदुस्तानी है और उसका ये फर्ज बनता है कि वो यकजहती के पैगाम को आम करे और नफरत की सियासत करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को और एकता के पैगाम आम करने की हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया ताकि इस मुल्क के अंदर अमन का पैगाम आम हो, आस्ती का पैगाम आम हो, एकता का पैगाम आम हो, नफरत की सियासत कमजोर हो, नफरत की सियासत को कमजोर किया जाए। मेरे दोस्तों, ये आज़म हमारे नौजवानों ने उठाया है, वो काबिलू जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अगर इन नौजवानों ने ये बेड़ा उठा लिया है तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर नफरत नहीं बल्कि एकता कौमी यकजहती का पैगाम आम होगा। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बे इंतहा कबूल फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अभी आपको आज के इस इजलास के रूहे इजलास का खिताब सुनना है और अभी आप जिनको समाप्त फरमा रहे थे ये उस किताब का मुकदमा था। अब मुकम्मल तकरीर और मुकम्मल किताब आपके सामने बयान की जाएगी। कबल इसके कि हजरत वाला का खिताब हो, हमारे दोस्तों की जानिब से गुजारिश है और वाकई यानी ऐसी ताज़ीम और तकरीम भी होनी चाहिए कि आपके तालुका भोकरदन के पीआई चौधरी साहब से गुजारिश और दरख्वास्त है, उनकी खिदमत में इल्तिमास है कि वो आए और 5 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। पीआई चौधरी साहब से विनंती और दरख्वास्त है कि वो अपने पैगाम को 5 मिनट में हम तमाम के सामने पेश करें। अच्छा, अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमानिमित्त मला आमंत्रित केलं गेलं। खरं तर या कार्यक्रमाला स्वतः SP साहेब येणार होते परंतु त्यांना अचानक एक काम लागल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत। त्यांनी मला सांगून कार्यक्रमाला पाठवलं। कार्यक्रम ऐकल्यावर खरोखरच या देशाविषयी या देशावर प्रेम करणारे या स्टेजवरील मंचवरील वक्ते यांचा खरोखर मला अभिमान आहे। मित्र हो, या देशासाठी अनेक लोकांनी रक्त सांडले, ते रक्त एकाच रंगाचे होते। सगळे मिळून आपण हे स्वातंत्र्य मिळवलेलं आहे आणि या स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर देखील इंग्रजांनी आपल्यात भेदभाव निर्माण करून काहीतरी उडकी सोडून आपापल्यात भांडणं लागावेत या उद्देशाने
आपल्या दुफळी निर्माण केली, दोन तुकडे केले आपल्या देशाचे, आणि तिथून लांबून ह्या लोकांनी आपला खेळ चालू केलेला आहे. या खेळाला आपण आपापसात भांडल्या भांडावं यासाठी अनेक प्रयत्न अनेक वेळेस अनेक देशांनी केलेत. मी नाव घेऊ इच्छित नाही, परंतु अनेक घटना या देशात घडवल्या गेल्या. परंतु या स्टेजवर असलेल्या वक्त्यांमुळे किंवा अशा संघटनांमुळे किंवा तुमच्या आमच्यातल्या विचारांमुळे आपला देश आजही सुरक्षित आहे. या देशाला तुमची आमची या विचाराची खरोखरच आवश्यकता आहे. अनेक लोक अनेक देश आपली जी एकता आहे ते मोडून काढून इच्छित आहेत आणि आपापल्या भांडणात, कारण समोरासमोर या भारताला लढण्याची कोणाची हिंमत नाही, समोरासमोर लढून या भारताचा पराभव करण्याची कोणाची हिंमत नाही. या देशाचा तुकडे करण्याचा प्लॅन या इतर शक्तीने निर्माण केलेला आहे आणि तुमच्या आमच्यात हिंदू मुस्लिमात भांडणं निर्माण करून तुकडे करणार किंवा अंतर्गत ग्रहातून हा देश बर्बाद करण्याचा प्लॅन चालू आहे. या प्लॅन सक्सेस होणार नाही यासाठी तुम्हा आम्हाला आणि या स्टेजवरच्या विचारवंतांची या देशाला गरज आहे. यांचे विचार माझ्या या भोकरदन तालुक्यातून दानापूर गावातून व पूर्ण देशापर्यंत पोहोचावेत ही माझी इच्छा आहे. मला खरोखर अभिमान आहे एवढा चांगला कार्यक्रम माझ्या ज्युडिशियल मध्ये झाला होत आहे. या खरोखर मी या संघटनेच अभिनंदन करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. लेट आहे आणि आज के इस इजलास के रूहे इजलास का तारुफ पेश करने के लिए मैं मौलाना ईसा खान साहब काशपी से गुजारिश करता हूँ कि वह आए और हजरत वाला को तारुफ और दावत पेश करें. हाफिज साहब अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हजरत का तारुफ तो इतना वसी और आला है कि उसके लिए रात ही ना काफी है. ये हमारे इलाके महाराष्ट्र के जन्नत से जमीतुल्मा महाराष्ट्र के, और आपने अभी जैसे खरीद रशीद साहब से सुना है कि उनसे पहले जो मुकर्रर मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब थे उन्होंने मुकदमा आपके सामने रखा है, तो किताब से आपने उसको ताबिर किए, ये इसके ऊपर हकीकत है. अब मैं ज्यादा वक्त और आप लोगों के दरमियान और हमारे बेबाक और सोलह भया मुकर्रर नमूने असलाफ हजरत मौलाना खलीमुल्लाह साहब काशमी के सामने हल नहीं होगा, इसीलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ. तो आखिर दावा अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन. हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि हजरत का अंदाज़े बयां ही और है. मैं इस शेर के साथ हजरत वाला को दावत सुखन दे रहा हूं, और कबल इसके कि हजरत वाला का खिताब हो, हमारे यहाँ के आज के मुंतजमीन ने यह दरख्वास्त रखी कि जितने अहबाब यहाँ पर आए हैं उनका इस्तकबाल किया जाए. मैं इस्तकबाल के लिए सबसे पहले दावत दे रहा हूँ कि आपके इलाके और बस्ती की नामवर शख्सियत हजरत मौलाना रफीक साहब शाती नाजिम मदरसा रूहुल इस्लाम नाने गांव से गुजारिश है कि वो आए और हजरत मौलाना हलीमुल्ला साहब कासिम दामद बरकातुहुमुल आलिया की हार और शाल पोशी के जरिए से इस्तकबाल फरमाए. हजरत मौलाना रफीक साहब इशाती इस्तकबाल फरमा रहे हैं हजरत मौलाना हलीमुल्ला साहब कासिमी का. इसी तरीके से मुफ्ती हफीजुल्ला साहब कासिमी नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र का इस्तकबाल हाफिज कैसर साहब फरमाने जा रहे हैं. हाफिज कैसर साहब इस्तकबाल करेंगे मुफ्ती हफीजुल्ला साहब कासिमी नाजिम तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र.
ऐसे ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाफिज अब्दुल वाही साहब दानापुर ये इस्तेमाल करेंगे पीआई चौधरी साहब का। पीआई चौधरी तालुका भोकरदन के ये पीआई हैं, इनका इस्तेमाल हाफिज अब्दुल वाही साहब के दस्ते मुबारक।